नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी की। जी हाँ, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो लोगों के बीच में पैनिक भी है, लोग परेशान भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5% का आज लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो अब लोगों को लग रहा है कि भैया सीधा गिर के हो सकता है 2 रुपये, 10 रुपये पे आ जाए, 5 रुपये पे भी आ सकता है। बहुत सारे लोगों की मानना है कि क्या हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूं। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो वो लोग जानते हैं कि जो मैं थंबनेल पे लिखता हूं वो आपको वीडियो के अंदर ज़रूर मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से मैं कर रहा हूं, वीडियो को अंत तक देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने एंट्री बनाई है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना रखी है, या जो लोग नई एंट्री बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से सर्च करेंगे एक्जैक्टली आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह और अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए। सुबह मैंने TTML पे वीडियो डाला है, आप चाहें तो जाके देख लीजिए, प्री रिजल्ट एनालिसिस किया है मैंने इसका, और बाकी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले हैं, रिजल्ट और न्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ, है ना। तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है। तो गाइस देखिए, इस पर हम लोग बहुत छोटा छोटा, यहाँ की बजाय हम लोग सीधा डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं, तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, सेल्स जून में आई है 1351 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 1694 करोड़। यहाँ से आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1381 करोड़ थी, तो यहाँ से भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप पीछे आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 500, 732, 955, तो धीरे धीरे यहाँ से ग्रो हुआ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ देखने को फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोग आगे ईयर वाइज भी देखेंगे, तो तसल्ली से आप देखिए एक बारी। यहाँ पर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, ये 101 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो कि पिछले क्वार्टर में था 320 करोड़ था, अच्छा खासा डाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर 2433 करोड़ का था, तो वहाँ से तो आपको अच्छा खासा ही डाउन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर आप पुराने पिछले क्वार्टर्स के भी नंबर्स देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लॉस लॉस लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट, बड़ा लॉस हुआ, फिर यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट हुआ। देखिए, कंपनी के जो काम काज है वो इसी तरीके से है। अभी खूब सारे ऑर्डर मिले भी हैं, आपको पता ही है, जब लगातार ऑर्डर मिलते जाते हैं तो ऊपर भागता जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कंपनी की सब्सिडरीज हैं, इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, और कहीं कहाँ कहाँ पर है, आप वीडियो को पॉज करके इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो कंपनी का देखिए कामकाज ही इस तरीके का है कि यहाँ पर कई बार बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन हाँ, रिजल्ट तो नो डाउट बुरे हैं ही हैं, तो उसका असर आपको शेयर पे देखने को मिला है। अब जो लोग लंबे समय के लिए निवेशक हैं, सारी वैल्यू करोड़ में ही है, तो यहाँ पर आप देखिए ईयर वाइज आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो मार्च 2023 में 5971 करोड़ की सेल आई थी, आपको देख पा रहे हैं। मार्च 2022 में 6582 करोड़ की थी, उससे पहले 3346 करोड़ की, उससे पहले 2973 करोड़ की। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए, यानी कि मार्च के बाद से अभी तक, तो अभी तक ये आंकड़ा जो है वो 5941 करोड़ तक पहुंच चुका है, ठीक है, अभी पूरा साल लगभग बचा हुआ है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए, तो 556 करोड़ का अभी तक हो चुका है मामला, और ट्रेलिंग 12 मंथ में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो 2887 करोड़ का आया था, जो पिछले साल आया था, उससे पहले लॉस था। और यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े लॉस भी हैं, ऐसा नहीं है, लगातार 3 साल लॉस में भी रही है कंपनी। यहाँ पर देखिए 9000 करोड़ का लॉस आया। तो जो लंबे समय के निवेशक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए फिलहाल अभी इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिले। और मेरा ये कहने के पीछे बड़ा रीज़न ये भी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FII देखिए जो थे 7.64, वो अब बढ़ के हो गए 7.79, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। वहीं आप DII देखेंगे तो 5.55 थे, और ये हो गए जून वाले में, ये देखिए लेटेस्ट वाली है, तो यहाँ पर हो गए 5.90। और यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अभी तक नहीं थी, और गवर्नमेंट का भी स्टेक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 0.02, तो बहुत ही थोड़ा सा ही, लेकिन यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का भी स्टेक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर FII और DII तीनों ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ भाई, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, अगर दूसरे पहले वो बात करें, तो यहाँ पर एक साल में इसने आपके पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया, 200% रिटर्न, 6 महीने में पैसा डबल कर दिया, 3 महीने में 133% रिटर्न दिए हैं। कोई स्टॉक जब इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो भागता ही चला जाएगा? यहाँ पर जिन लोगों ने अगर 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये पर एंट्री बनाई है, मैं इससे पहले भी वीडियो बनाता रहा हूँ, मैंने साफ मना किया कि यहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनानी है, अच्छा खासा भाग चुका है, फंस सकते हैं आप। अगर जितने 20 रुपये पर आज एंट्री बनाई है, वो तो डेफिनेटली देखिए आपको हो सकता है इसमें गिरावट देखने को मिले, नो डाउट, तो ये आपकी गलत एंट्री है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब शेयर भाग जाता है, तो भैया वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। अभी आप चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। वहीं हम लोग वॉल्यूम की बात करें, तो 32 करोड़ का आज वॉल्यूम है, कल 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक का एवरेज 29 करोड़ है, और 1 मंथ का एवरेज आपको 29 करोड़ देखने को मिल रहा है।
वहीं डिलीवरी की बात करेंगे, डिलीवरी परसेंट से तो लगभग 40% के आसपास देखिए रोज़ डिलीवरी उठाई जाती है। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेयर्स जो हैं लोग घर लेके अपने गए भी हैं, कल भी और आज अभी फिलहाल अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5% का लोअर सर्किट आपको देखने को मिला है, और ऐसा ही अगर आप देखेंगे वनडे के हिसाब से तो 65.51 के आसपास है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए इतना अच्छा खासा रनअप कर चुका है तो गई गिरना तो लाजमी है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था आपको, कल देखिएगा, हो सकता है चल देखिए, नहीं तो कल अगर लोअर सर्किट लगता है तो यहाँ आ सकता है। अब मेरे हिसाब से आपको एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, अगर ये नीचे आता है तो आपको और सस्ती उसमें मिलेगा, कीमत पे मिल जाएगा ये। मेरे हिसाब से आपको 10 से 12 रुपए वाली जो रेंज है ना यहाँ के आसपास मिलता है तो आपको इसमें फ्रेश एंट्री ढूंढनी चाहिए, उससे पहले तो अभी फिलहाल नहीं देखनी चाहिए। एवरेज करने के लिए मैं इस तरीके के स्टॉक्स को कभी भी सलाह नहीं देता हूँ, जिन्होंने यहाँ ले रखा है और वो सोचे कि मैं एवरेज कर लूँ, थोड़ा सा और नीचे आएगा तो एवरेज कर लूँगा, तो नहीं, गलती मत करिएगा। अगर आप यहाँ फंस भी गए हैं तो आप मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए अगर आपने किया तो आप क्या कहते हैं होल्ड करिए, मेरे हिसाब से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एज़ पर माई पर्सनल व्यू। अगर हम लोग बात करेंगे वीकली लेवल पर तो ये देखिए कितना, इतने दिनों से इतना ज़्यादा भाग चुका है और तो अब गिरावट तो थोड़ी होनी लाजमी है ही है ना। RSI देखिए कितना मजबूत है, 78, जबरदस्त मजबूती यहाँ पर आपको RSI की तरफ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट के बाद मुझे लगता है कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हाँ, जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या फिलहाल हो सकती है, जिन्होंने लंबे समय के लिए इसमें डाल रखा है उनके लिए टेंशन नहीं है। मंथली लेवल पर देखेंगे तो लगातार 3 महीनों से इतना ज़्यादा भाग चुका है, तो यहाँ पर अगर ये रिजल्ट ना भी आए होते तो भी मैंने किसी को सलाह नहीं दी थी यहाँ पर फिलहाल एंट्री करने की। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत टेक्निकल और चार्ट भी समझना होगा, बेसिक तो समझना ही होगा, बाकी नो डाउट रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है और रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट आपको देखने को मिला है 5% का लोअर सर्किट। ये तो अच्छी बात है कि प्राइस बैंड 5% पे, नहीं तो और भी ज़्यादा इसमें आज गिरावट देखने को मिलती, 10% और इवन 20% वाला होता तो अच्छा खासा यहाँ पर गिर सकता था। तो यहाँ पर हो सकता है अगले एक दो दिन आपको और गिरावट देखने को मिले, और जो लेवल मैंने बताया गया दूसरी पर उसको ध्यान रखिएगा जरूर, 10 से 12 रुपए की रेंज पे अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा बाई होगा, और अगर इसमें हलचल देखने को मिलती है तो जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म वाले हैं थोड़ा बहुत वो कोशिश करने की अगर निकल सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, जिन्होंने जो ऊपर फंस गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो चलिएगा, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जल्दी मैं सभी को रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। धन्यवाद।